मास्क के अंदर सांस लेना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है बार बार कि सांस नहीं आ रहा, उसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं, सिर भारी होने लगता है और अक्सर सिर दर्द भी हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने मास्क बनाया है बहुत ब्रीथेबल मास्क है, यानी कि ऊपर से और नीचे से आप इसको ना स्लाइड कर सकते हो, हटा सकते हो ऊपर नीचे से, और बीच वाला जो मुंह के सामने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल आपका कवर रहता है, एक ही जगह रहता है, तो इससे सांस लेने के अंदर दिक्कत नहीं होती। तो ये एक रेडीमेड मास्क है जो एक नर्स से मांगा था, और इसको देख करके मैं एक मास्क बनाऊंगी और आपको भी बताऊंगी कि किस तरीके से ये मास्क बनाया। पहले किसी भी कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर इस मास्क को रखकर के मैंने निशान लगाया। मास्क की लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई है 2.5 इंच साइड का मार्जिन मिला करके, और लंबाई है तकरीबन 7-8 इंच आप रख सकते हो, 7 इंच या 8 इंच जितना आपको मास्क चौड़ा चाहिए। इसमें दो लेयर्स हैं साइड में, एक ऊपर की तरफ, तो ये तकरीबन 2.25 इंच की है, मार्जिन मिलाकर के 2.5 इंच की हो जाएगी। तो 2.5 इंच मैं नीचे की तरफ से ले लेती हूँ नीचे वाली लेयर के लिए, और 2.5 इंच ऊपर की तरफ से ऊपर वाली लेयर के लिए। एक कागज काटने वाली कैंची से अब हम आउटलाइन को काट लेते हैं। कपड़े की कैंची को कागज के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कपड़े की कैंची खराब हो जाएगी, इसलिए कागज की ही कैंची यूज करना बेहतर रहता है। अब इसको अपने ड्राफ्ट को या कागज को मोड़ लीजिए बीच से, और थोड़ा सा हम इसे शेप देंगे, तो हम तकरीबन 1.5 इंच तक जो खुला वाला हिस्सा है वहां से ऐसे टेढ़ा निशान लगाएंगे, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1.5 इंच पर टेढ़ा निशान लगा करके हमें शेप देनी है। इस शेप को हम काट लेंगे। आप चाहो तो कोई और भी हल्की फुल्की गोलाई में भी शेप दे सकते हो। अब हमें इलास्टिक चाहिए होगा, तो इलास्टिक तकरीबन है 5.5 इंच लंबा, और मैं इसमें 1/2 इंच जोड़ लेती हूँ तो ये हो जाएगा 6 इंच, और ये पतला इलास्टिक है जो कि मेरे पास अभी है नहीं। तो मैंने इसके लिए क्या तरकीब लगाई है कि मैंने ये चौड़ा इलास्टिक ले लिया है और इससे मैंने तकरीबन 6 इंच की लंबी पट्टी पर निशान लगा लिया है। इसमें से मैं जितना चौड़ा मुझे इलास्टिक चाहिए मैं उसमें से इलास्टिक की कटिंग कर लेती हूँ। अब आप बोलोगे कि इलास्टिक की कटिंग तो आप कर लोगे, लेकिन इलास्टिक के धागे निकलते रहते हैं साइड से, ये तो पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए भी एक हैक है, मैं बताती हूँ अभी आपको, क्योंकि ये धागे निकलते हुए तो फिर आप मास्क को पहन नहीं पाओगे, धो भी नहीं पाओगे। तो फिर मैंने क्या किया, फैब्रिक ग्लू लेकर के या कोई भी जो पक्का ग्लू हो उसको लेकर के, फैब्रिक ग्लू का फायदा यह है कि आप मास्क को कई बार धो भी लोगे तो भी आपका इलास्टिक खराब नहीं होगा, धागे नहीं निकलेंगे, और जो धागे वाली साइड है वहां से आप ये ग्लू लगा दोगे तो ये धागे नहीं निकलेंगे। तो जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए आपको इलास्टिक की, ये हमारी 2 पट्टियां तैयार हो गई। अब हम देखिए, सूती कपड़ा यदि आप लेते हो ना मास्क के लिए तो सबसे बेहतर रहता है, लेकिन आज क्या है, शादियों का सीजन होता है,
या मैचिंग लोगों को मास्क बनवाने होते हैं तो वो ऊपर की लेयर को किसी और ब्रोकेड में या डिजाइनर कपड़े में लगा देते हैं, और अंदर वाला जो भाग है वो रखते हैं सूती कपड़े का, कॉटन का। तो हम इसी ड्राफ्ट को रखते हुए फिर हम अपना दो लेयर काट लेंगे मास्क के लिए। पैटर्न के ऊपर आप इंस्ट्रक्शंस भी लिख करके रख सकती हो कि जैसे हमें साइड का इलास्टिक चाहिए था 5.5 इंच, तो वो भी हम साइड इलास्टिक 5.5 इंच इसके ऊपर लिख करके रख देंगे। अब ये जो हमारा मास्क है, दो लेयर है, इसके साइड साइड निशान लगाया और इस निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बीच का हिस्सा जो है साइड में से ही, ये नीला वाला हिस्सा, ये खुला रहेगा, इसके ऊपर सिलाई नहीं लगेगी। ये सिलाई हमने लगा ली, ये खुले वाले हिस्से से हम मास्क को पलट लेंगे। साइड में कोनों में हल्की सी कटिंग दे देंगे सिलाई को बचाते हुए। और इसके ऊपर हल्के से प्रेस कर देंगे किनारों को सही से मोड़ने के लिए। जो खुला हिस्सा था उसको भी अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर हम इसको सब तरफ से सिलाई लगानी है हमें। और बीच का जो हिस्सा है वो तकरीबन 2.5 इंच का हमने रखा था, उसके ऊपर एक बार फिर हम निशान लगा लेंगे। और इस निशान के ऊपर ही हमको सिलाई लगानी है। सीधी लाइन जो हमने खींची है, पहले तो हम साइड की सिलाई लगा लेंगे, ठीक है? और उसके बाद ये जो सीधी लाइनें हैं हमारी, इसको ऐसे मोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरफ। और दूसरी तरफ। लेकिन सिलाई लगाना शुरू करने से पहले जो हमारा इलास्टिक है उसको हमें दोनों तरफ अंदर घुसा देना है। एक तरफ ऐसे, दूसरी तरफ इस तरीके से, और तब सिलाई लगेगी। सिलाई लगने के बाद आपका इलास्टिक जगह पर आ जाएगा और पक्का हो जाएगा। अब हमें स्लाइडिंग कैसे बनाना है ताकि हम इस मास्क में आसानी से सांस ले सकें, उसके लिए हम इस तह को हल्का सा मोड़ देंगे और छोटी सी चुन्नट भी दे सकते हैं साइड में चाहे तो इस तरीके से मोड़ देंगे। और इसके ऊपर अब हमें दो सिलाइयां और लगानी है। सिलाई लगाने का तरीका ये रहेगा कि दोनों साइड से हमें तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। ये 1 इंच यहां से और 1 इंच दूसरी तरफ से, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा मास्क तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही मजबूत, बहुत ही उम्दा तरीके का मास्क है जिससे कि हम आराम से सांस ले सकते हैं और नाक से भी हटा सकते हैं जब मास्क को जरूरत हो तो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब रहिएगा।